जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों पर से ही भरोसा उठा दिया है। वहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ तकरीबन एक साल तक उसका यौन शोषण किया। मामला जब सामने आया तो प्राथमिकी दर्ज की गई है और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जानकारी जो अब तक प्राप्त हुई है उसके मुताबिक राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक पिता अपनी पुत्री को तकरीबन एक साल से अपनी हवस का शिकार बना रहा था। नाबालिग पुत्री के द्वारा इसका विरोध किया जाता लेकिन पिता बार बार उसे डरा धमका कर चुप करा देता था। गुरुवार को उसने अपनी माँ से इस बात को बताया। माँ ने बात की जानकारी लेने के बाद जब पिता से बात की तो पिता आग बबूला हो गया। ऐसे में माँ थाने पहुंची और थाने में पहुंचकर अपने ही पति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की और त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि ये राजपुर थाने से एक मामला आ रहा है जिसमें बड़ा ही मतलब एक अलग तरह का मामला है जिसमें एक बच्चे के द्वारा अपने फादर पर एलिगेशंस लगाया गया है कि उसके द्वारा उसका यौन शोषण किया जा रहा था। इसमें अभियुक्त जो है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने दिनों से पिता ये बेटी के साथ कर रहा था? ये हैबिटुअली कर रहा था और उसकी मदर ने इसको देखा है और मदर के सहयोग से फिर ये आगे। पुलिस की क्या कार्रवाई हो रही है? पुलिस के द्वारा जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे जो हमारा मेडिकल कराने का प्रक्रिया है या जो कोर्ट में बयान कराना है ये सब हम लोग कराएंगे आगे। इस मामले ने मानवता को भी शर्मसार कर दिया है। बक्सर से चंद्रकांत निराला।